बसमिल हानुतमन जई यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद जो अफ़ग़ानिस्तान इसकी सरजमीन का इस्तेमाल करके जो दाश है इन्होंने ईरान को टारगेट किया है यहाँ पर ईरान ने यह बात की है अफगानिस्तान पूरे ख़त् के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन चुका है ख़ास करके दहशत गर्दी के हवाले से अब जरान है यहाँ पर दाश ने दो खुद बारों का इस्तेमाल किया था जो कासम सलमान की बरसी है यहाँ पर लोग आए थे बहुत बड़े पैमाने पर मासूम शेरी को यहाँ पर इन्होंने शहीद किया ज़ाही किया बहुत बड़े पैमाने पर और अफ़ानिस्तान की इस्तेमाल करके दाइश ने ईरान में दहशत गर्दी की है ईरान ने यहाँ पर अफगानिस्तान पर अफगान की है इस्लाम पर शहीद किया है इसका जवाब मैं आपको देता हूँ देखें कौन सही है कौन गलत है अल्लाह तक फैसला करना है लेकिन यहां पर बहुत से मुसलमान ऐसे हैं जिन्होंने ये फैसला कर लिया है ये खुद फैसला करेंगे कौन जन्नती है कौन जहनमी है अब यहाँ पर ये फिरका वारियत का मामला है सुनीशिया का मामला है पाकिस्तान की रियासत यहाँ पर नाकाम नजर आ रही है यहाँ पर जो मामला हैं इनको हल करने में यहाँ पर जो हालात हैं इनको कंट्रोल करने में और ये चीज़ें काफी ज्यादा खतरनाक हैं। पाकिस्तान का सूबा के पीके का इसका जिला है नॉर्थ वजीरस्तान का यहां पर इलाका शवाल का आई ई डी हमला करके पाकिस्तानी फोर्स के जवानों को निशाना बनाया गया है दो जवान यहां पर शहीद हो चुके हैं पाकिस्तानी तालिबान ने यहाँ पर यह दहशत गर्दी का हमला किया है डेर इस मिलहान में जो चेक पोस्ट है इसके ऊपर तालिबान ने बहुत बड़े पैमाने पर हमला किया है पाकिस्तानी फोर्स ने पुलिस ने यहाँ पर इनको तगड़ा जवाब दिया है हमला यहाँ पर नाकाम हो चुका है और जो पाकिस्तानी तालिबान है तहरीक तालिबान पाकिस्तान टी टी पी यहाँ से भाग चुके हैं इसके अलावा एक और पुलिस के ऊपर बन्नू में हमला किया है पाकिस्तानी तालिबान ने यहाँ पर इस हमले को भी नाकाम बना दिया गया है पाकिस्तानी तालिबान यहाँ से भी भाग चुके हैं अब जो पाकिस्तानी तालिबान है इनके पास नेटो के जदीद हथियार मौजूद हैं इस सब के बावजूद यहाँ पर जो के पी के की बहादुर पुलिस है दहशत गर्दी

तक कोई भी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है लेकिन यहाँ पर अभी भी पाकिस्तानी फोर्स का ऑपरेशन भी जारी है जो अफगानिस्तान पर दो हज़ार चौबीस का दाइ ने पहला हमला कर दिया है दहशत गर्दी की है इन्होंने अफगान का जो जासूस है इसको पकड़ा है कन्नरसूबे अफगानिस्तान का यहाँ पर इसको खत्म कर दिया है और दाइश ने यहाँ पर इसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली है यह अफगान तालिबान के लिए दाइश भी अफगानिस्तान में इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज मौजूद है पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्स ने टांग में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन करके जो पाकिस्तानी तालिबान है दो को यहां पर खत्म कर दिया है इनमें पाकिस्तानी तालिबान का जो अहम कमांडर है गुल यूसफ इसका नाम है इसके ऊपर पाकिस्तान की रियासत ने काफी ज्यादा पैसों का नाम भी रखा हुआ था पाकिस्तानी ने यहाँ पर इसको कामयाबी से इसके साथी के साथ यहाँ पर ख़त्म भी कर दिया है अब जो इंडिया का सोशल मीडिया है इंडियन मीडिया यहां पर बहुत ज्यादा प्रोपीगंडा हो रहा है जो आजाद कश्मीर है यहां पर जो पाकिस्तानी आर्मी है इसके ऊपर हमला हुआ है चार जवान यहां पर लापता हो चुके हैं लेकिन ऐसा यहां पर कुछ भी नहीं हुआ देखें इंडिया यहां पर ऐसा क्यों कर रहा है असल हकीकत इसका जवाब मैं आपको देता हूं अब जो जम्मू एंड कश्मीर का इलाका है यहां पर इंडिया का इलीगल कब्जा मौजूद है आलमी कानून के मुताबिक भी अब यहां पर जो इलाका है दोदा का एक बंदे को मार दिया है है जो जो कश्मीरी फाइटर्स हैं इन्होंने देखें मॉडल इंडिया ने नाफिज कर दिया है जम्मू एंड कश्मीर में यहां पर जो इंतहा पसंद हिंदू हैं इंडिया लाकर इनको बसा भी रहा है साथ में इंडिया इनको हथियार भी दे रहा है आप खुद यहां पर जो कश्मीरी फाइटर्स हैं इनका मुकाबला करो इनमें से एक को कश्मीरी जो फाइटर्स हैं उन्होंने जो दो का इलाका है यहाँ पर खत्म भी कर दिया है इसके अलावा जो पूछ इलाका है जम्मू एंड कश्मीर का यहां पर इंडियन फोर्सेज ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है बहुत बड़े पैमाने पर पर इन दोनों इंडियन ने यहां पर जितने भी ऑपरेशन शुरू किए हैं एक में भी इंडियन फोर्स को कोई भी कामयाबी नहीं मिली अब यहां पर इंडियन फोर्स को लगातार नाकामिया क्यों मिल रही है फिलहाल तो कुछ भी नहीं कह सकते हो सकता है कश्मीरी फाइटर्स हैं इनको बेहतरीन ट्रेनिंग मिली हो इस वजह से इंडियन फोर्सेज यहां पर नाकाम हो रही है इसके अलावा इंडिया में कुछ दिन पहले मीटिंग हुई थी जो कश्मीरी फाइटर्स हैं खास करके ये जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं यहां पर जो इनके चैनल मौजूद हैं इनको कैसे बंद किया जाए देखे इस वक्त सोशल मीडिया के बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म मौजूद हैं अब किस किस को बंद करेंगे यहाँ पर यह चीज़ तो नामुमकिन ना है क्योंकि इंडिया को जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ पर ये मार रहे हैं दुनिया को ना पता चल पाए इस बारे में इंडिया कोशिश कर रहा है ये तो कोई भी हल नहीं है अब जो कश्मीरियों ग्रुप है पी एफ़ एफ़ का इस वजह से यहाँ पर इन्होंने इंडिया का मजाक भी उड़ाया है जम्मू एंड कश्मीर के इलाके है शोपियाँ का यहाँ पर जो कश्मीरी फ़ाइटर्स हैं हैंदा पसंद हैं इन्होंने हमला किया इंडियन फ़ोसेज़ के ऊपर बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर इंडियन फोसेज़ के जवान काफ़ी ज़्यादा मारे भी जा चुके हैं इनमें इनका एक कैप्टन भी शामिल है इसके बाद यहाँ पर जो शोपिया के इलाके इंडियन फोर्स ने ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है जो कश्मीरी फाइटर्स हैं इनको दबोचने के लिए देखें यहां पर जो जम्मू एंड कश्मीर है अभी तक इंडिया ने जब से कब्जा किया है बहुत ज्यादा पैसे के लिहाज से जानी लिहाज से इंडिया को नुकसान पहुंच चुका है इंडिया ने अभी तक कुछ भी हासिल नहीं किया यहां पर एक ही हल है जो कश्मीरी हैं उनको आप फैसला करने दें यहां पर वोटिंग करवाई जाए कश्मीरी खुद फैसला करें उनका मुस्तबल क्या होगा अब तक यहां पर जो इंडिया का कब्जा है ये जारी रहेगा इसके अलावा यहां पर इन्होंने कश्मीरियों की नस्ल कुशी भी शुरू कर दी है यहाँ पर कश्मीर की जो खूबी हैसियत है इंडिया ने इसको भी ख़त्म कर दिया है वाले दिनों में यहाँ पर जो हालात हैं मज़ीद ख़राब ही हो सकते हैं ठीक होने वाले नहीं हैं यहाँ पर यूनाइटेड नेशनस के मुताबिक यहाँ पर जो करारदादा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की उसके मुताबिक यहाँ पर इंडिया अमल करें जो कश्मीरी हैं वो ख़ुद अपने मुस्तबिल का फ़ैसला करें लेकिन इंडिया किसी सूरत भी इसके लिए तैयार नहीं है यहाँ पर फिर क्या होगा तबाह होगी जम्मू एंड कश्मीर में जो हालात हैं मज़ीद खराब होने वाले हैं ठीक यहाँ पर होने वाले नहीं हैं अपने ख़्याल रखिएगा अपने यूट्यूब चैनल के भी अल्ला हाफिज़